स्टैंडर्ड 11 12वीं कक्षा। नमस्ते छात्रों, आज हमें 12वीं कक्षा के लिए आफ्टरनून सेशन के लिए रिवीजन देखने वाले हैं। रिवीजन में हमें पोयम 7 परिचय इसके बारे में रिवाइज करने वाले हैं। परिचय के आथर होते हैं श्रीमती महादेवी वर्मा, कवियित्री परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 उत्तर प्रदेश के हुआ। आधुनिक काल के साहित्यकारों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। नीहर, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा, दीपशिका आदि उनकी रचनाएं हैं। यामा के लिए उनको 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी जी के मुक्तक रूप में काव्य सृजन किया। उनके गीतों में विरह, वेदना और दुख की तीव्र अनुभूति है, इसलिए उनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। उनकी भाषा सरस, मधुर और प्रभावशाली है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है। वे गीत गाकर अपनी वेदना कम कर लेती है। उनकी कविताओं में उनका अपना दुख है और उनके गद्य में पूरे समाज की वेदना और व्याकुलता है। महान कवियित्री महादेवी वर्मा 1987 में स्वर्ग सितारी। कविता का सारांश, कवियित्री अपने पति से कहती है कि मैं वीणा हूँ और उसमें निकलने वाली रागिनी भी हूँ। मेरे रग रग में नींद थी, मैं अचल थी, फिर भी दुनिया के प्रथम स्पंदन के साथ मैं जाग उठी। प्रलय के समय तुम्हारे पद चिन्ह में मेरा जीवन था, वही मेरा पता भी था। मैं एक शाप के समान थी, तुम्हारा साथ मिला तो मैं वरदान बन गई। मैं नदी भी हूँ और नदी का किनारा भी हूँ। मैं मेघ की राह देखने वाली चातक के समान हूँ। मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। पतंग दीप में गिरकर मर जाता है, मैं वही निष्ठुर दीप हूँ। बुलबुल कांटों को पसंद करता है, इससे उसके शरीर में चोट लग गई जाती है। मगर वह चिड़िया चोट को मन में छिपाकर विकल रहती हैं, मैं भी ऐसा ही एक बुलबुल हूँ। छाया और शरीर एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन मैं शरीर को छोड़कर अलग हुई छाया हूँ। हिमचल आग में गिरकर भाप हो जाता है, मैं वही आग हूँ। मैं शून्य हूँ, मैं पत्थर का पुलक हूँ। मैं आधार के अंदर बसा प्रदीपम हूँ। मैं स्वयं बादल हूँ और बिजली भी हूँ। नाश और विकास दोनों भी हूँ। मुझमें त्याग और इच्छा दोनों ही हैं। मैं तार का आघात भी हूँ, इसका झंकार भी हूँ। मैं मधुपात्र हूँ, मधु हूँ, विस्मृति भी हूँ। मैं होठ हूँ और मुस्कान भी हूँ। ये कविता कंठस्थ होने के कारण आप इसे ध्यान से सुनना छात्रों, और इसे कंठस्थ कर लेना, ये ज़रूर एग्ज़ाम के लिए आने वाला पोर्शन है। बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नींद थी मेरी अचल निष्पंद कनकन में। प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पता पच्चिहन जीवन में। शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कूल भी हूँ, कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। नयन में जिसके जलद व तृषित चातक हूँ। शलभ जिसके प्राण में व निठुर दीपक हूँ। शूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ। एक होकर दूर तन से छा व चल हूँ। दूर तुमसे हूँ, अखंड सुहागिनी भी हूँ। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमचल के। शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पाउंडे पल के। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में। हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। नीलगन भी हूँ, सुनहरी दामिनी भी हूँ। नाश भी हूँ, अनंत विकास का क्रम भी। त्याग का दिन भी, चरम आस्तिक का तम भी।
तार भी आघात भी छंकार की गति भी पात्र भी मधु भी मधु भी मधुर विस्मृति भी अदर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। क्या समझ में आता है छात्रों? ये कविता को ध्यान से पढ़ो, ये मेमोरी होने के कारण एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। अब कठिन शब्द दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़ लेना छात्रों। इसके बाद में प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे। यहीं पर चार प्रश्नोत्तर दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़ो। अब जो क्या क्या प्रश्न है देखेंगे। फर्स्ट है, परिचय कविता में कवियत्री किसका परिचय देती है? परिचय कविता में कवियत्री स्वयं अपना परिचय देती है। अद्वैत की भावना समझाइए। नदी बहती है, उसमें बुदबुदा पैदा होता है, देखने भी दोनों अलग अलग मालूम होते हैं, मगर जब बुदबुदा टूट जाता है फिर पानी बनकर पानी में मिल जाता है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग जान पड़ते हैं, मगर वास्तव में दोनों एक है। आत्मा और परमात्मा को एक मानना की अद्वैत की भावना है। अखंड सुहागिनी का अर्थ समझाइए। कवि इतनी अपने प्रिय पति से दूर रहती है, फिर भी उनके दिल में हमेशा पति की याद बनी रहती है, इसलिए वे ऐसा महसूस करती हैं कि वे पति के साथ हैं, उनसे कभी अलग हुई ही नहीं। उनकी यही भावना ही अखंड सुहागिनी का अर्थ है। कवियत्री के प्रियतम उनसे कैसे अभिन्न हैं? कवियत्री के प्रियतम उसी प्रकार अभिन्न रहते हैं। अब हमें संदर्भ साहित्य व्याख्या कीजिए, उसके बारे में देखेंगे। यहीं पर एक ही एक संदर्भ साहित्य दिया गया है, ध्यान से पढ़ लेना छात्रों। क्वेश्चन यह है, आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के, पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। संदर्भ यह पद्यांश परिचय नामक कविता से दिया गया है। यह श्रीमती महादेवी वर्मा की कविता है। कवियत्री अपने पति से दूर है, इस दुख को वे गीत गाकर हल्का कर लेती है। इस पद्यांश में भी उनकी वेदना चित्रित है। कवियत्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं आग हूँ, मगर वह मामूली आग नहीं जो ताप फैला करती है। मैं वह आग हूँ जिससे वोंट्स की बूंदें टपकते हैं। मैं शून्य हूँ, फिर भी मेरे स्वागत में समय का पाउंडा बिछा हुआ है। मैं प्रस्तर में होने वाला पुलक हूँ। मैं आधार के उर में होने वाला प्रतिबिंब हूँ। कवियत्री एक प्रकार की विपरीत परिस्थिति में है, इसलिए जिसमें जिसके होने की संभावना नहीं है उसमें उसके होने की कल्पना करती है और अपने को वह वही कहती है। उनके दिल का दुख उनको आग की तरह जलाता है, फिर भी वे वो उसकी बूंदों की तरह आंसू उगलती हैं। उनका दिल भावों से शून्य है, पति के बिना उनका जीवन शून्य है, फिर भी मौत उनके स्वागत में खड़ी है। उनका जीवन पत्थर के समान कठोर है, फिर भी वह कविताएं लिखकर अपने को स्वयं पुलकित करती हैं। कवियत्री अपने को पति का प्रतिबिंब समझती हैं। वे विश्वास करती हैं कि वे अपने पति के हृदय में रहती है, इसलिए अपने को आधार के उर में रहने वाली प्रतिबिंब कहती है। अब हमें सही उत्तर चुन के खाली जगह पूरा कीजिए, इसके बारे में देखेंगे। यहीं पर पांच प्रश्न दिया गया है, ध्यान से सुन लेना छात्रों। कवियत्री कठिन पत्थर में पला डैश है दुख आनंद आनंद। कवियत्री का पता प्रलय में डैश है मार्ग पदचिन्ह है पदचिन्ह है।
कवित्री शूल को उर्मी छिपाए डैश है। चातक बुलबुल बुलबुल कवित्री वीणा है और उसकी डैश भी है। तार रागिनी रागिनी कवित्री स्मित की डैश है। रोशनी चांदनी चांदनी। समझ में आता है छात्रों, यही आपका रिवीजन का पोर्शन होता है। ये आप हमें परिचय पोयम से सारा पोर्शन को हमें रिवाइज कर दिए हैं, उसे ध्यान से याद करके आपने फर्स्ट रिवीजन टेस्ट के लिए तैयार हो जाना। छात्रों, क्या समझ में आता है क्या? ध्यान से पढ़ो। धन्यवाद।